हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। ऑडिटेड फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड का क्वार्टर एंडेड और फिनांशियल ईयर एंडेड का। साथ में कंपनी की ओर से ₹2 पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनांशियल रिजल्ट्स पर। गाइस, पहले कंसोलिडेटेड फिनांशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। नंबर करोड़ में दिए गए हैं। इनकम की बात करें गाइस, तो नंबर इनकम है इस बार का अराउंड 13,521 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 11,736.4 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 13,707.6 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की इनकम में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 12,357.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 9,809 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 12,748.7 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंस इंक्रीज है, उसके कारण प्रॉफिट में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर की एक्सपेंसेस बहुत कम हुआ, उसके कारण प्रॉफिट रिकवर किया। और गाइज कंपनी का एक्सपेंस इंक्रीज हुआ क्योंकि इन्वेंट्रीज में 190 करोड़ का इस बार चार्ज किया, और पिछले क्वार्टर में 625 करोड़ का ऐड हुआ था, उसके कारण प्रॉफिट में गिरावट आया गाइज क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट 933 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1927.9 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 465.6 करोड़ का और नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, 50% ज़्यादा डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया 50% के आसपास। वहीं अगर हम EPS की बात करें, 9.34 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस कंपनी का क्वार्टर एंडेड का रिजल्ट अगर देखा जाए, तो ईयर ऑन ईयर की इनकम में डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में डाउन है। फिनांशियल ईयर एंडेड में इनकम है 50,183.3 करोड़ का, और 23 में 52,768 करोड़ का। इनकम में डाउन देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 43,941.9 करोड़ का, और 23 में 46,913 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। बट कंपनी का एक्सपेंस बहुत कम है, जिसके कारण प्रॉफिट में इंप्रूव किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,241 करोड़ का, और 23 में 58,54.9 करोड़ का, जो कि इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट है कंपनी का 59,43 करोड़ का, 23 में 39,74 करोड़ का इंक्रीज करती हुई देखने को मिल रही है। EPS 59.15 रुपीज़ का 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए, तो इनकम की बात करें तो ईयर ऑन ईयर में डाउन है और फिनांशियल ईयर एंडेड में भी डाउन है। बट कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा हुआ था, लेकिन ईयर ऑन ईयर में कंपनी को जो है सो अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर में डाउन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि एक्सपेंस बहुत कम किया गया था। ग्रॉस रेवेन्यू 15,779 करोड़ का, और अगर हम बात करेंगे जो सेल स्टील प्रोडक्शन हुआ 2.05 मिलियन टन का, और सेल वॉल्यूम हुआ 2.01 मिलियन टन का। और गाइस कंपनी का नेट डेट अगर देखा जाए तो 11,203 करोड़ का इसका नेट डेट है। नेट डेट टू एबिटडा जो है 1.1 टाइम्स का देखने को मिल रहा है इस बार का। और गाइस अगर हम इसके स्टैंड अलोन फिनांशियल रिजल्ट को कवर करें, कंपनी का इनकम है इस बार का 13,788 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 11,545 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 13,402.5 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 12,026 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 9,551 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 12,154 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा, जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। ईयर ऑन ईयर में भी प्रॉफिट में एक्सपेंस में इंक्रीज हुआ है, सॉरी डिक्रीज किया, जिसके कारण प्रॉफिट में इंप्रूव किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,761.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1,993.7 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 1,111.8 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 1,281.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1,483.6 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 789 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 12.78 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस सिर्फ और सिर्फ देखिए कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से गिरावट आई, चाहे क्वार्टर एंड स्टैंड अलोन हो या कंसोलिडेटेड। बट कंपनी का सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड के ईयर ऑन ईयर की इनकम में डाउन है, लेकिन स्टैंड अलोन में इनकम में इंक्रीज किया था। तो गाइस कह सकते हैं कंपनी ने ठीक ठाक रिजल्ट पेश किया, ओके रिजल्ट है। क्वार्टर एंडेड में तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो ओके रिजल्ट है, लेकिन फिनांशियल ईयर में मतलब कि ईयर ऑन ईयर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। और अगर हम इसके शेयर की बात करें, 939.45 रुपीज़ पे क्लोज किया था, 1% का एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला था। 1 मंथ में 4.6% का प्रॉफिट दिया है, 3 मंथ में 27% का, और 6 मंथ में 47% की प्रॉफिट दिया है। और गाइस कंपनी के जो शेयर है 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, इसलिए अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं फ्रेश एंट्री का, थोड़ा वेट कर सकते हैं।
करेक्शन होने का, क्योंकि कंपनी भले रिजल्ट अच्छी पेश किया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर से प्रॉफिट में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर भले रिजल्ट अच्छी पेश किया, लेकिन फिर भी गाइस बहुत ज़्यादा ओवरब्रॉड जोन में जा चुका है, इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए करेक्शन होने का। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।